ये किनाल पार्क हम खड़े हैं, मेन मार्केट यहाँ चंद कदमों के फासले पे है, गुलबर्ग का इलाका है। और यहाँ भी ये छोटे छोटे मासूम प्यारे प्यारे बच्चे, क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल, बड़ा प्यारा नाम है यार, क्या करते हैं आप? रंगाई का काम। इधर साइड पे हो जाओ, तुम्हारी वजह से ना ट्रैफिक रुक जाएगी। आप भी इधर आओ बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद। तो आप भी इधर रंगाई का काम करते हैं? जी जी। कितनी देर हो गई? साल हो गया। साल? तो कितने पैसे आपको मिल जाते हैं? 400 पर डे। एक दिन का 400? एक दिन का 400 रुपया। हाँ। और क्या करते हैं फिर उनका आप? घर दे देते हैं। घर देते हैं जी। घर में कौन कौन है? माँ बाप सारे हैं। माँ, भाई? भाई कितने हैं? 3। तो पढ़ते हैं? हाँ जी। किस किस क्लास में? एक 10 में और एक 5 में। आप नहीं पढ़े? नहीं, मैं भी पढ़ता हूँ। किस क्लास में? 7 क्लास में। 7 क्लास में जी। 7 का क्या सिलेबस है आजकल उर्दू की किताब का, क्या चल रहा है तो पता है जी? आज वो मीनार पाकिस्तान पढ़ा है। मीनार पाकिस्तान पढ़ा है जी। क्या पढ़ा उसमें? उसमें मीनार पाकिस्तान के बारे में, मीनार पाकिस्तान कब बनाए, किस जगह कब बनाए? मीनार पाकिस्तान 1947 ओ पाकिस्तान। अच्छा, किसने लिखा है वो मजमून जो मीनार पाकिस्तान वाला आपने पढ़ा? ये तो मेरे ख्याल आपने गौर से पढ़ा नहीं है ना जी। दोबारा जाके रीड करें उसे, ठीक है जी। और दूसरा मुझे बताएं कि कितने घंटे इधर काम करते हैं आप? 7 घंटे। साहिल इधर आओ बेटा, इधर आओ। ये साहिल आपके साथ होता है जी? ये तो बहुत शरारती लग रहा है मुझे। हाँ जी। शरारती है ना? हाँ जी। ये शरारतें करता है? किस तरह की शरारतें करता है? साहिल पढ़ता नहीं है? नहीं, ये पढ़ता नहीं। क्यों पता नहीं। आपने कभी साहिल को कहा कि बेटा तुम पढ़ लो, मैंने तो पढ़ के बड़ा आदमी बन जाना है, मैंने इधर थोड़ी काम करना है हमेशा? इसको अब्बू ने छोटे क्लास से भी इधर काम पे लगाया। ये आपका भाई है? नहीं, इसके अब्बू ने इसको छोटी क्लास से इधर भेज दिया। बहुत छोटा था ये। हाँ। साहिल कब से काम कर रहे हो बेटा, कितने साल हो गए? 3 साल। 3 साल से काम कर रहे हो? और कितनी आप मजदूरी कमा लेते हैं? 400। और मुझे ये बताएं साहिल के घर में क्या क्या, कौन कौन है? सारे माँ बाप, बहन भाई सब। तो पैसे घर देते हो? हाँ जी। घर में कोई पढ़ता भी है? मैं नहीं। आप क्यों नहीं पढ़ते? मैं छोटा तब पर स्कूल जाता ही नहीं था। स्कूल जाते थे, अब छोड़ दिया आपने? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? इसको भेजा था स्कूल में, जैसे आप पूछ आप रहे इनके हैं क्या लगते हैं? ये कजन है मेरा। अच्छा। लोग तो आगे को जाते, ये पीछे को आया था। 5वीं क्लास में भेजा तो उन्होंने 3री में कर दिया था। तो अब इसको पढ़ाएं या काम सिखाएं, कौन सा काम बेहतर है इसके लिए, कौन सा बेहतर? आप खुद स्कूल गए कभी? हाँ जी, 9th तक गए। 9th तक, उसके बाद नहीं पढ़े आप? उसके बाद नहीं, उसके बाद काम सीखा ये ड्राइंग का ही। उसके बाद आप यही करते हैं? हाँ जी, यही कर। तो ये 12 गर्दी से बेहतर नहीं है ये वाला काम? वैसे अगर काम सीख ले वो बेहतर है। नहीं, वो आपको थोड़ा सा ना बड़े लेवल पे थोड़ा जाते कंसल्ट करते लोगों से, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास हर चीज़ का इलाज है। मसलन नहीं, अब मेरा आर्गुमेंट सुन लें, नहीं भी आया आर्गुमेंट सुन लें ना, आर्गुमेंट सुन लें। वो ये है कि जैसे आपको एक जगह से डॉक्टर जवाब दे देता है ना, तो आप क्या करते हैं मरीज को? एक मिनट, दादे को सड़क पर फेंक जाते हैं? नहीं नहीं, और जगह। हाँ, तो इसके हालत थे मेरा भाई, आप खुद 9वीं तक स्कूल गए हैं तो आपको क्या पता हाल क्या थे इसके, बेशुमार हाल थे। ये बच्चा मुझे दे, मैं आपको पढ़ा के देता हूँ। कौन? बैट लग गई मेरे साथ। हाँ, ये नहीं शर्त लग गई। लग गई। मैं कहता हूँ कमाल, इन्हें डॉक्टर बन जाना, ये काम नहीं सही तरीके, आपका इलाज भी करेगा अच्छे तरीके से। ये शरारत वाले बच्चे और तरह के होते हैं, ये ज्यादा ब्राइट होते हैं, आपको पढ़ाना नहीं आता? ज्यादा नहीं ना ब्राइट, वो ये करके तो बुलाते हैं आप लोग। क्या बच्चे को तो प्यार ही नहीं देते घरों में? किस घर में आपने देखा बच्चे को प्यार दिया जाए? हर घर में बच्चे को प्यार मिलता है। कुछ कहना चाह रहे हैं सर? आइए, अस्सलाम वालेकुम। पास आ जाए, पास आ जाए, पास आ जाए। कुछ नहीं कहना चाह रहे, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने मजमा लगा दिया तो ये थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। आपका सर क्या नाम है? मोहम्मद महताब अली। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? मैट्रिक में। इन बच्चों के फ्यूचर के लिए हम बात कर रहे हैं तो ये मजमा तो नहीं है? जी जी, ऐसे ही है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। आप पढ़ते हो बेटा? ये देखें जी बच्चा, कितना प्यारा सा बच्चा है। क्या नाम है बेटा आपका? शहजाद। क्या काम करते हैं आप? पढ़ते कहाँ हो? वो गवर्नमेंट। किस क्लास में हो आप? टू में। कोई आपको टेबल आता है टू का? ए बी सी आती है? Yes. सुनाए। हाँ, स्कूल जाते भी हैं कि नहीं? ये नाखून तक नहीं तराशे आपने, क्यों, क्या वजह? हाँ, ये यहाँ की सूरत हाल है जी। और उस्ताद रंगाई वाले इधर रंग दे हैं सर। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? उस्ताद कौन? अच्छा आप उस्ताद। सर सलाम अलैकुम। सर सलाम, कैसे हैं आप सर? ये बच्चे काम में अच्छे हैं, बेहतर हैं? बेहतर है काम में, है ना? बेहतर है काम। तंग तो नहीं करते आपको? ना। तो कितनी देर आप इनको काम पे लगाते हैं, कितनी देर काम करवाते हैं इनसे? ये कुछ 6-7 घंटे। 6-7 घंटे। और ये बच्चे बड़े शार्प हैं, आपने देखा होगा खासतौर पर ये साहिल जो है ना, ये बड़े शरारती लगा मुझे। शरारती है लेकिन करता नहीं है। करता कुछ नहीं? हाँ नहीं, शरारती डरते करता नहीं। डरता है उस आजी से? हाँ डरता है। आप डांटते तो नहीं इन्हें? नहीं नहीं, प्यार से रखा हुआ है। कुछ कहते तो नहीं? क्या कहना, अपनी मेहनत करके चले जाते हैं, हम भी चले जाते हैं, ये भी चले जाते हैं। आप खुद पढ़े थे? कितना पढ़े आप? मैंने 5 की, 5 तक पढ़े। आप दिल नहीं करता कि आप पढ़ जाते तो शायद किसी अच्छी जगह चले जाते? तो आप जब, आप बड़े भाई हैं इधर, उस्ताद भी हैं, तो ये बच्चे तो आपको गुरु मानते होंगे ना? आप उस्ताद हैं तो आपने सब कुछ सिखाया इन्हें, तो ये साहिल बच्चा जो है इसके, इसको देख के, और वो दूसरा बच्चा जो है ये तो खुद कहता है मैं पढ़ता हूँ। हाँ ये बच्चा बहुत काबिलियत है, सुबह को जाता है 3-4 बजे जो है ना इधर आ जाता है, उसके बाद में 7-8 बजे तक इसने काम करना होता है, फिर इसमें सुबह स्कूल चले जाए। आप बड़े भाई की तरह ज़रा साहिल को सोचें, तो आप नहीं समझते कि साहिल को स्कूल जाना चाहिए? जाना तो चाहिए। आपकी एज में जब ये जाएंगे साहिल, हाँ फिर ये पछताएंगे? पछताएंगे। आप आज पछता रहे हैं? साहिल बेटा पास आओ, इधर आओ, ये बातें गौर से सुनो, मैं दोबारा उस्ताद जी से पूछने लगा हूँ, ठीक है? तुम्हारे शायद काम आ जाए, ठीक है? उस्ताद जी मुझे ये बताएं कि आप समझते हैं कि आपको स्कूल जाना चाहिए था? बिल्कुल अच्छा ही है। आपकी उम्र में जब साहिल आएगा तो ये क्या करेगा? ये भी ऐसा कुछ ही पछताएगा जब जैसे हम पछता रहे हैं। पढ़ लिख जाएगा, अच्छी काबिलियत मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी, हर चीज़ इसके पास, सबसे बढ़कर इज्जत मिलेगी, सेटिस्फाइड होगा। ये मोहल्ले में जब कोई अफसर चला जाता है जो इन्हीं टाटों से पढ़ के यहाँ तक लोग आए हैं, इसी गुरबत से आए हैं, मुझे आप लाहौर में जितने भी लोग अच्छी पोस्टों पे हैं उनमें बहुत कम ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के बच्चे हों, ऐसे ही है ना? टाटों से उठ के आपके आर्मी के बड़ी बड़ी पोस्टों तक, आपकी ब्यूरोक्रेसी में, आपके FIA में, आपकी NAB में, और बड़े बड़े इदारों में जितने भी आपके, हालांकि हत्या के ये आपकी जो एंटी करप्शन है इसमें बड़े बड़े अफसरों को हम जानते हैं जो गरीब घरों से उठ के ऊपर आए, इसी तरह साहिल की तरह ही थे वो छोटे बच्चे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल परफेक्ट आप बता रहे हैं। तो ये काम करना है तो करें, लेकिन स्कूल भी ज्वाइन कर लें। हाँ वो लड़का शहजाद है, पास खड़ा होता है, घर में गुर्बत है, घर में गुर्बत है तो पैसा नहीं है, माँ बाप इतनी कमाई नहीं है। इधर आ जाता है साहिल, मुझे ये बताएं ये चाचा ठीक कह रहे हैं? हाँ जी। घर में गुर्बत है? हाँ जी। इसका काम मुझे मिला है, मैं इधर ही का शॉप करता हूँ। अच्छा। इधर ही सुपरवाइजर का काम करता हूँ। देखो इसका बाप तम्बाकू बेचता है गली गली में, दो घर की कितनी इनकम है, किचन नहीं चलता। अगर कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले इसको ले लें, इसको पढ़ाएं, इसका जिम्मा उठाएं तो फिर पढ़ेगा? बिल्कुल पढ़ेगा, पढ़ना अच्छी बात है, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। देखो मेरा बच्चा टाटो में बैठ के इस मदरसे में 16 बैंक ऑफ का कोर्स किया है, टाटो के बैठे हुए तो ज़्यादा एक बैंक का कोर्स किया, 16वीं डिग्री की है। देखो आपकी बात बहुत अच्छी लगी, पढ़ना चाहिए। फिर 16वीं जमात की जॉब करता है? जॉब करता है, इज्जत से कमाता है, इज्जत से कमाता है 35-40 हज़ार रुपया, पढ़ना चाहिए। देखो हमारा एक बच्चा आता है इधर, इधर ही खड़ा होगा ये वाला बच्चा, ये पढ़ता भी है, ये पढ़ 2 बजे आता है, 2 बजे पढ़ के मैं इधर आता हूँ। आप देखिएगा ये बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, इंशाल्लाह बनेगा, इसको मैं पूरी सपोर्ट करता हूँ, पूरी सपोर्ट करता हूँ, इसका अपने साथ रखता हूँ, सब अच्छी रखता हूँ इसको, हम कोई गाली गलौज नहीं करते। जो माँ बाप की गुर्बत है मतलब के फोन नहीं करते, आपको बताया कि तुम आपको जो अच्छा, आपका तो ज़्यादा तजर्बा भी है। हाँ जी। मैं क्या ये सही समझाऊँ कि जो लोग बच्चों को पढ़ा लेते हैं उनकी गुर्बत खत्म हो जाती है? बिल्कुल खत्म हो जाती है, जैसे मैं हूँ, तालीम के बगैर गुर्बत नहीं खत्म, तालीम के बगैर खत्म, या हुनर हो या फिर तालीम हो, तालीम इंसान को ऊपर लेके जाती है, सीधी सी वाकई है ना, अपॉर्चुनिटी दे देती है। अब ये रंगाई वाले भाई जो हैं ये भी कह रहे थे कि मैं अगर इस उम्र में हूँ तो मैं ये सोचता हूँ मैं स्कूल क्यों नहीं गया। बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए, देखो एक कारीगर भी है, हुनर भी है, तालीम भी होती है। किधर गया साहिल? साहिल इधर आओ बेटा। बेटा आपका क्या नाम है, क्या हुआ आपको? उधर गिर गया। गिर गए थे कैसे? उधर चैन के साथ। आप किस क्लास में हो जी? 4th। 4th में पढ़ते हो, तो स्कूल जाते हो कि छुट्टियां ली हुई हैं? छुट्टी है। कितने दिन से छुट्टी पे हो? इत्तेबात में पढ़ता हूं। इलाज करवा रहे हो प्रॉपर इसका? साहिल क्या खा रहे हो, सलांटियां खा रहे हो? हाँ जी।
वाह, इधर आए बच्चों, आप इधर आओ बेटा, इधर आओ मेरा बेटा। क्या नाम है आपका? अब्बास। अब्बास, किस क्लास में हो? नर्सरी। सिक्स में? नर्सरी। नर्सरी में? अच्छा अब्बास, ये जो साहिल चाचू है ना तुम्हारे, इधर आओ साहिल चाचू, पास आ जाओ। ये तुम्हारे साहिल चाचू स्कूल नहीं जाते, इनको जाना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए। इनको आप बता सकते हो कि पढ़ने का क्या फायदा है? क्या अच्छी पढ़ाई होती है? इंसान सुलझ जाता है, माशरे में रहने के काबिल होता है, दूसरों के मसाइल बेहतर समझता है, दूसरों की तकलीफ़ों को बेहतर तरीके से एड्रेस कर पाता है ना। माशरे के जो मसाइल हैं उन पे उसकी गहरी नज़र होती है, फिर वो किताबें पढ़ता है, फिर उसे तारीख पढ़ता है, फिर उसे पता होता है कि जो कौमें हैं वो कैसे बड़ी बनती हैं। साहिल बेटा, तुम्हें अगर कोई इदारा आ जाए लेने और तुम्हें कहे कि तुम्हारा ख़र्चा हम उठाते हैं तालीम का, और तुम्हें यूनिफॉर्म भी देते हैं, किताबें भी देते हैं, खाने पीने के लिए भी देते हैं, रहाइश भी देते हैं, तो फिर तुम पढ़ लोगे? नहीं, घर की भी थोड़ी सपोर्ट होनी चाहिए, ताकि इसके वाला साहब हैं, घर की सपोर्ट भी देते हैं, फिर पढ़ेगा, फिर पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हाँ भी, अरे बताओ ना, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। फिर आप पढ़ोगे? अब आपको घर में सपोर्ट मिल जाए, घर में सपोर्ट के साथ आपको किताबें मिल जाएँ, आपको यूनिफॉर्म मिल जाए, आपको रहने की जगह मिल जाए, अच्छा मॉल मिल जाए, अकोमोडेशन मिल जाए, जहाँ बच्चे बाकी रहते हैं उनके साथ मेस करना समझते हो, खाना। हाँ, बिल्कुल सही। उधर मेन्यू बड़ा अच्छा बनता है, मुर्गी बनती है, मटन बनता है, सब्जियाँ बनती हैं, खीर बनती है, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें बनती हैं, वो सारे के सारे अगर तुम्हें तुम्हारा खर्चा उठा लें तो फिर तुम पढ़ लो। नहीं, पढ़ना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। जो एक वक्त है, अगर 5-6 साल और गुजर गए ना, फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर ये क्या सोचेगा? फिर सोचेगा जैसे इनकी मिसाल दी है, मैं पढ़ लेता, कोई 5 जमातें पढ़ लेता जी, मैट्रिक की होती, मैं भी मैट्रिक की है, तो देखो ना। नहीं, गल सही यार, एक मिनट यार, नहीं देखो, आपको शौक है कि नहीं है? पहले इसको पहले शौक है कि नहीं, पहले पूछे। वो कहता है गुर्बत की वजह। नहीं, शौक है कि नहीं है, वो कह रहे हैं आपको, पढ़ना अपने सब होना है, काम छाड़ते नहीं ना सकते, होना अद्धा आ गया ना, जो पढ़ाई के बाद भी हो सकता है ना, वो जिस तरह ये कह रहे हैं, क्यों जी, पढ़ाई के बाद भी हो सकता है। देखो अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊं, ये बच्चे इस माहौल में कुछ और बात करेंगे, इनका माहौल बदले, 10 दिन नए माहौल में रखें तो ये कुछ और बात करें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये इन जवानों पे माहौल असर नहीं करता क्योंकि ये मेच्योर हो गए हैं, बच्चे पे माहौल का असर होता है। बिल्कुल सही बात, बच्चा आज भी ग्राउंड में जाए तो ऊंची सारी कहके लगाता है, हंसता है, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चा कोई चमकदार चीज देखे तो उस पर मुख्तलिफ रिएक्ट करता है, तो इनको अभी इस माहौल में पूछा नहीं जा सकता कि आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। इनको तो सलीके से कोई कपड़े बदलवाए, इनके नहलाए दिलवाए, अच्छी खुशबू लगाए, अच्छा खाने को पेश करे, तो फिर इनसे पूछे तो ये मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, ऐसा ही है ना। जो इसके माँ बाप है, जो राजी होंगे, ये भी राजी होंगे, जो गुड़बड़ खत्म हो जाए, ऑटोमेटिक इंसान देखो पढ़ेगा, खुशहाली होगी, काम सीधा होगा, जो तलीम से आदमी ऊपर जाता है। अब वो जो आपका है कि किसी को पता ही नहीं है कि फलां चॉकलेट का मजा किस तरह का, तो आप उसे कैसे बता सकते हैं तुमने खानी है? सही बात है, चॉकलेट खिलाएंगे उसको तो उसको लगेगा चॉकलेट पे और कहेगा, क्यों सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर क्या करते हैं? मेरा टेलरिंग का काम है यहाँ पे। तो ये बहुत सारे बच्चे, क्या नाम है बेटा आपका? ये क्या करता है? ये भी सब कुछ करता है, बहुत शरारती है ये, बहुत शरारती। बेटा क्या नाम है आपका? अली अहमद। अली अहमद, तो अली अली का क्या मतलब है? हंसे नहीं भैया, क्या बात, अली का मतलब क्या है? अली का मतलब है शेर, लाइन, ठीक है। शेर देखा है कभी, चिड़िया घर गए हो कभी? कैसे बोलता है शेर? बोल के दिखाओ, चल बोल के दिखाओ, इतना शरारती है तू। शेर बोल के दिखाओ, है क्या सर अंदर शेर है? अच्छा चलो खैर, और कब आप लास्ट टाइम जू गए थे, चिड़िया घर कब गए थे? ये पीर को। पीर को गए थे? किसके साथ? मामा। अम्मी के साथ? कौन कौन से जानवर देखे उधर? कोई जानवर पसंद है? जानवर कोई नहीं देखा तूने वहाँ पे? हाँ जी, आप पूछें सर, कौन कौन से जानवर देखे आपने वहाँ पे? शेर, चीता और सांप और बंदर और तोते यहाँ पे बैठे। बंदर कैसे बोलता है? बता ना अंकल को, बता बंदर कैसे बोलता है और तोता कैसे बोलता है?
अच्छा तो आप कब से काम करते हैं इधर? ये नहीं काम करता। पढ़ते हैं आप? ये पढ़ता है। सिर्फ पढ़ते हैं? किस क्लास में आप? वन में। तो आप अपने चाचू को, ये तुम्हारे चाचू लगे थोड़े से बड़े हैं तुमसे, ये साहिल जो है, साहिल चाचू कहा करो इन्हें, ये देखो साहिल, साहिल को जानते हो आप? साहिल को जानते हैं जी? भाई साहब बिल्कुल जानते हैं, सामने रहते हैं, बिल्कुल जानते हैं जी। इसको जानते हो? तो इनको साहिल को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। तो इनको बताओ ना कि पढ़ने का क्या फायदा? इंजीनियर बनेगा। इंजीनियर बनेगा? और क्या बन सकता है? टीचर बन सकता है, फौज में जा सकता है। साहिल, साहिल तुम्हें क्या बनने का शौक है? कभी सोचा है साहिल क्या बनने का शौक है? घर में गुरबत होना तो इंसान का जहन बंद हो जाता है, बस सीधी से खुशहाली हो सब कुछ ठीक हो जाता है। अच्छा, दो तरह के बच्चे हैं मैंने देखे, मैंने नोटिस किया। एक वो हैं जो घर में गुरबत देख के भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते और अपने शौक को फॉलो करते हैं, वो पढ़ जाते हैं। एक वो हैं जो हालात का असर बड़ा लेते हैं, बड़े वो हसास तबीयत होते हैं, ठीक है, है ना? वो हसास तबीयत माहौल देख के रंग बदलते हैं। अब जिस माहौल में साहिल है, इस माहौल में तो ये कहेगा मैंने तो पढ़ना ही नहीं, इसे सहूलत मिलेगी पढ़ाई में, कुछ स्कोप नजर आएगा, कुछ समझ आएगी, कोई ऐसा टीचर मिलेगा जो इसके जायके को लगा सके कि पढ़ना क्या फायदा क्या है, तो फिर ही आगे जा सकता है। इसको पता है घर में कुछ देना नहीं है, फिर ज्यादा पढ़ेगा। क्या नाम है बेटा आपका? बसीर। बसीर, बसीर का क्या मतलब है? बसीर का हाँ, देखने वाला। हाँ शाबाश, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ये अल्लाह का सफाती नाम है मेरा ख्याल है, है ना? आता है समीउल बसीर। समीउल बसीर, शाबाश। तो किस क्लास में आप? मैं 6th में। सिक्स में। साहिल तुम्हारी उम्र कितनी है? 13 साल। 13 साल। आपकी उम्र कितनी? 11 साल। 11 साल। तो ये चाचू लगे ना आपके? लगे है ना? नहीं तो ये आप साहिल को जानते हैं? जानता हूँ। कितना जानते हैं इसे? करीब आए साहिल बेटा, इधर आ जाओ। कितना जानते हैं? जानता हूँ, दोस्त है मेरा। दोस्त है? तो आप खेलते भी हैं इकट्ठे? इकट्ठे कभी कभी। क्या खेलते हैं? क्रिकेट वगैरह? नहीं, कभी फुटबॉल हो गया, कभी आपस में खेल लिया पकड़ पकड़ाई। पकड़न पकड़ाई भी खेलते हैं? तो साहिल शरारती है काफी। आपको लगता है ना कि इसको पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए इसको। आपने इसे कहा नहीं कभी? नहीं कभी। आप किस तरह के दोस्त हो इसके? इसका मतलब आप इसके सिंसियर दोस्त नहीं हो? नहीं, इसे कभी गुजरते उड़ते बात ऐसे, कभी इसको चीज खिला दी बस। आपने कभी डांटा नहीं इसको कि यार तुम किस तरह के बंदे हो, तुम पढ़ते क्यों नहीं? ये देखो ना आपने कितने अच्छे जूते पहने हैं, ये आपका अपर देखो कितना प्यारा है, और साहिल के जूते देखो कितना फर्क है। ये देखो अपने हाथ दिखाओ मुझे, ये हाथ देखें जी कितने प्यारे हाथ हैं, और ये साहिल के हाथ देखें आप, ये देखें कितना फर्क है जी। तो आप तो बाबू बन जाओगे, गाड़ियों में फिरोगे, साहिल इस तरह ही धक्के खाता रहेगा। आप चाहते हो ये इसी तरह रहे? तो इसको समझाओगे इंशाल्लाह। ये दूसरी सूरत हाल है जी, और इस सारी सूरत हाल में जो बच्चों की तालीम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो बनेगा क्या, इस माशरे का क्या बनेगा? और ये जो साहिल जैसे बच्चे हैं, इनको चाहिए कि ये स्कूल जाएं, और इदारों को चाहिए कि इन बच्चों का नोटिस ले, और इनको ना सिर्फ इन लोगों को जो है वो ये हलाल की रोज़ी कमा सकेंगे, बल्कि माशरे में इनका अपना एक मुकाम भी बन पाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब इस पूरे के पूरे मोहल्ले ने, पूरे के पूरे लोगों ने हमसे बार बार पूछा कि ये साहिल जो है ये अगर स्कूल चला जाएगा तो इसका खर्चा कौन उठाएगा, और सबसे बढ़कर ये साहिल अगर स्कूल जाएगा तो इसके वालदैन को वो रोज़ी और रोटी कौन देगा जो कम अज़ कम जो है होनी चाहिए इन सारे लोगों के पास। तो ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी बनने की ज़रूरत है, और इस पॉलिसी को जब तक आप नहीं बनाएंगे, उन वालदैन को पे नहीं करेंगे, वो बच्चे आपको नहीं देंगे, तो काम आगे नहीं चल सकेगा। लिहाजा सबसे बढ़कर इन लोगों को चाहिए कि ना सिर्फ इन बच्चों का सर्वे करें, डोर टू डोर जाएँ, इन बच्चों के मसाइल सुने, साहिल के वालदैन से मिलें और उनको बताएँ कि हम आपको इतना पे कर सकते हैं, फिर सूरत हाल जो है वो शायद बेहतरी की तरफ जाए। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पाना।